Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing well and fine. Guys, I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series, we are solving previous year INMO questions, right? With the year, and we started with the year 2000 and we did it order wise, orderly manner. And till now, we have completed till INMO 2013. So guys, 14 years ke papers complete kar chuke hain. सो 14 × 6 आप देख सकते हो तो अबाउट 84 क्वेश्चंस अबाउट 84 वीडियोस वी हैव पोस्टेड फॉर INMO फ्लैशबैक और INMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन ईच वीडियो हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है राइट यू कैन फाइंड ऑल दोज वीडियोस टू बी पोस्टेड ऑन द चैनल और यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट सेक्शन वहां पे पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इन अ प्रॉपर ऑर्डर राइट सो इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस यू कैन सी दैट बट बिफोर दैट प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट है ना क्वेश्चन सॉल्व करके फिर देखना वीडियोस राइट All right then. So guys, आज का जो क्वेश्चन है, we'll be starting with the year INMO 2014 today, है ना? 2014 के लिए स्टार्ट करेंगे आज हम. We will be doing the first question of INMO 2014, which is based on geometry. ठीक है? Geometry का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम थोड़ी देर में. So, okay. Again, I'll show you the question, guys. उसके बाद पहले आप खुद ट्राई करना, ठीक है? खुद ट्राई करना क्वेश्चन पहले, फिर उसका सोल्यूशन देखना. वरना, as I have said multiple times, numerous times till now. कि फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा अगर आप वीडियो ऐसे सीधा सोल्यूशन देखोगे ना विल नॉट गेन नॉर लर्न मच फ्रॉम दिस प्लीज सॉल्व दिस द ट्राई द क्वेश्चन एटलीस्ट है ना सॉल्व नहीं भी होता कोई बात नहीं बट गिव इट अ गुड अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ एक आधा घंटा दो उसको अगर फिर नहीं होता फिर देखो सोल्यूशन अगर हो जाए तो भी देखो ऑफकोर्स सो दैट यू नो यू दैट यू माइट नॉट हैव डन एनी मिस्टेक और समथिंग है ना बट ये जरूरी है कि आप उसको सॉल्व जरूर करो आप उसको अपना एक अटेम्प्ट जरूर दो अच्छा सा ठीक है All right, so let us begin that question, guys. Before proceeding, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for the various competition exams since past 9+ years. Competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiad, and KBPY, etc. Right? Chalo. So guys, start karte hain. Let us see the question. Okay. This is the first question of INMO 2014, right? सो गाइज मैं रीड आउट कर देता हूँ क्वेश्चन ठीक है बट अगेन आई वुड सजेस्ट पॉज करो क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को एंड देन ट्राई इट बाई योरसेल्फ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी आपको खुद ही समझना चाहिए ऑल्दो है ना कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द रियल एग्जाम ऑल्सो चलो ठीक है सो आई होप आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया है ठीक है तो अभी डिस्कस ही करते हैं सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन इन अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है आपके पास लेट डी बी अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी सच दैट ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी राइट ये आपको बेनिफिट हो रहा है कि ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी देखो गाइज इन दोनों का सम वैसे क्या होता है थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस भी सोचते हैं ना ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी ये होगा क्या पेरीमीटर इसका मतलब जो ए बी प्लस बी डी है वो कितना है सेमी पेरीमीटर के इक्वल है दोनों राइट सो बेसिकली द लाइन ए डी इज डिवाइडिंग द पेरीमीटर इंटू टू इक्वल हाफ ठीक है चलो सपोज दैट द पॉइंट्स बी सी एंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी लाई ऑन अ सर्कल वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू ए सी दैट इज अवर क्वेश्चन सो गाइस इसके लिए मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है सो दिस इज अ फिगर ओके बेसिक फिगर ये बनेगा सो यहां पे मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंड ए डी सम लाइन सच दैट ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी ये तो आपको मालूम ही है सो ए बी प्लस बी डी is equal to AC plus CD, right? So D is some such point. तो गाइस उसके बाद आपको दिया हुआ है that the points B, C and the centroids of the triangle ABD and ACD. तो गाइस centroid कैसे बनता है? Medians draw करके. So these green lines represent medians in the respective triangles. मतलब ABD triangle के अंदर एक line green line ये वाला median है और ये इसको मैं नाम दे देता हूं लेट मी नेम देम गाइस लेट्स से दिस पॉइंट इज पी राइट दिस इज क्यू दिस इज आर लेट्स से बता देता हूं क्या पॉइंट है गाइस बीपी इज अ मीडियन एंड ए क्यू को एक्सटेंड करने वाली जो लाइन है ये ग्रीन लाइन है वर्टिकल लाइन जो है ए क्यू को ज्वाइन करने वाली जो ग्रीन लाइन है दैट इज द मीडियन फॉर बी डी लाइन राइट बी डी के जाके ये इक्वल लेंथ पे कट कर रहे हैं एंड ए आर को ज्वाइन करने वाली लाइन सी डी को जाके इक्वल पार्ट में कट कर रहा है ठीक है सो ए क्यू एंड बी पी आर मीडियंस सो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंड दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सो बेसिकली इन दिस डायग्राम क्यू इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी डी
and R is the centroid similarly of triangle ACD, right? I hope this thing is clear. And one more thing, guys, jo AP length hogi, that will be equal to PD, right? Because BP is the median also. Medians draw kiye the humne, BP bhi median hai, AQ ko join karne wali jo green line hai, wo bhi median hai, right? So guys, ab aage kaise karenge hum isko? So guys, ek baat socho. Now there's a circle that is passing through B, Q, R and C. Diye diya hua hai aapko, right? So ek kaam karte hain, main ek rough sa diagram bana ke dikhata hu aapko. So there's a circle like this going on, okay? Main ek circle ka arc bana deta hu sirf. Theek hai? There's a circle like this which is passing through Q, R, B and C. Something of this sort is happening, right? So B, C, Q and R are on lying on a single circle, right? Kyunki diya hua hai aapko, they are lying on this on a circle, right? How do we make use of that? Very easy, guys. Jo P point ka power hai, the power of point P with respect to the circle should be equal, right? So power of point use karte hain, power of point ka concept, theek hai? So PQ into PB, according to that, what can we write? We can write PQ into PB, right? Should be equal to PR into PC. Correct? PR into PC. Yahan tak to clear hai. But guys, there is one more interesting thing. Jo BP hai, Q is the centroid of that respective triangle ABD, right? ABD triangle ka centroid hai. And we know the centroid divides the median in the ratio 2 ratio 1. Meaning, BQ is to QP, this is 2 ratio 1, right? According to the question, I'll write BQ is to QP is 2 ratio 1, correct? Hai na? Ye hona chahiye. So what is QP with respect to PB? According to this, agar wo 2 ratio 1 hai na? So what is QP upon BP? So QP upon BP will be 1 by 3, correct? Everybody, I hope this thing should be clear. Matlab BP ko agar aap 2x likhte ho, QP is x. Okay, let me show you. Agar aapko is please mein doubt hai ratio mein. If this is x, then this is 2x. Right? Main yahan pe likh bhi deta hu. If this length is x, this length is going to be... Okay, main kahin pe likh deta hu properly. So, okay, let us assume that BQ is 2x, QP is x. So, according to this, QP upon BP kya hoga? Now QP is x upon BP. BP is 2x plus x. So that ratio is going to be 1 by 3, right? Similar. वैसे आपको ratios आना चाहिए इतना तो that if you know this two ratios, you should be able to write QP upon BP directly. That is 1 ratio 3. So similarly, exactly similar thing will happen in ACD triangle, guys. Same thing is happening. ACD triangle में भी same होगा. So similarly, I can write PR upon PC. So PR upon PC should give you the ratio 1 by 3. What does this mean? That PQ or QP is equal to 1 by 3 of BP. And this means PR is equal to 1 by 3rd of PC. Right? So guys, ye dono values, jo PQ ki value hai and PR ki value hai, in dono values ko utha ke is equation mein dal dete hain jo power of a point ki equation thi. Right? Let us substitute it back in this. Theek hai? तो क्या मिलेगा आपको PQ की वैल्यू 1 by 3 into PB into BP is the same thing. PB square हो गया. Is equal to on the right hand side also you get 1 by 3 of PR. PR को 1 by 3rd PC. So into PC. So that is PC square. So very simple simplified equation. 1 by 3 cancel हो गया. PB square is equal to PC square which will imply PB equal to PC. Length है तो negative sign का तो chance ही नहीं है. So you've got a very important step that PQ, PB equal to PC, right? Ye jo do medians hain, matlab of the two different triangles although, BP and CP are equal. That is what you know. Now how you can make use of that? Theek hai, iska use kaise kar sakte ho? Bahut interesting way hai. So guys, if you try to write, okay, Riya, agar aap iske andar, ab Apollonius theorem apply kar do. दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करोगे वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन यू विल गेट राइट वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन यू विल बी गेटिंग लाइक एबीडी ट्राइंगल के अंदर एपोलोनियस थ्योरम एन ट्राइंगल एबीडी अप्लाइंग एपोलोनियस थ्योरम
राइट, वॉट वुड यू गेट? देखो, सो ए बी स्क्वायर, टेक द मीडियन टू बी बी पी, है ना? सो यू विल राइट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स बी पी स्क्वायर, है ना, प्लस पी डी स्क्वायर. हाफ ऑफ द साइड होता है ना पी डी स्क्वायर, ये है ना. नाउ सिमिलरली इन द ट्राइंगल ए डी सी अप्लाई द सेम थिंग, यू विल गेट ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, राइट. नाउ वॉट यू विल ऑब्जर्व इन दीज टू इक्वेशंस गाइस, इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप अब देखोगे ध्यान से, यू विल बी गेटिंग दैट द राइट हैंड साइड, कंप्लीट राइट हैंड साइड आर एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज पी डी तो सेम है ही, पी डी इज एनीवेज कॉमन एंड पी बी इज इक्वल टू पी सी, सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, राइट. ये दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू. सो व्हाट यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, राइट हैंड साइड आर बीइंग इक्वल, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, बीपी इज इक्वल टू सीपी, वी हैव ऑलरेडी डिराइव दैट, है ना, कैलकुलेटेड दैट. सो राइट हैंड साइड आर कंप्लीटली इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, मीनिंग ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट. ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको, राइट. And you already know this thing. And you already have this expression provided to you that AB plus BD is equal to AC plus CD. ठीक है, अब एक relations और create करते हैं guys. This one is very will, this one will be beneficial to us in the subsequent steps. इसको रख के रखते हैं. So guys, square this equation, right? So square कर दो, क्या मिलेगा? Whole square करोगे तो क्या मिलेगा आपको? AB square plus बी डी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी इंटू बी डी, राइट, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए सी इंटू सी डी. सो वॉट यू ऑब्जर्व इज बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थ्री लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना. फ्रॉम द रिमेनिंग इक्वेशन टू विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद AB into BD is equal to AC into CD, right? So this is your equation number 4. So guys, although आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हो जानी चाहिए, बिकॉज देखो यहां से एक्चुअली मैं आप ये तो बोल ही सकते हो दैट either AB should be equal to AC or it should be equal to CD, क्योंकि देखो दो टर्म्स है, AB plus BD, same दो टर्म्स का सम AC plus CD के भी इक्वल है और उनका प्रोडक्ट भी इक्वल है ए सी इंटू सी डी, समझ लो. इट्स लाइक यू हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से, मैं आइडिया बता रहा हूँ, थोड़ा सोचने का एक तरीका है कि ए बी प्लस बी डी, ए बी एंड बी डी आर लेट्स से रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ठीक है, एंड लेट्स से ए सी और सी डी किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, लेट्स से. सो डोंट द इजंट इट सो दैट कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, तो फिर तो इक्वेशन सेम होनी चाहिए ना, दिखनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट. तो रूट्स की वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए आइडियली, तभी तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होती हैं, बिकॉज सम और प्रोडक्ट दोनों सेम है दोनों इक्वेशंस का, तो एक्चुअली में दोनों रूट्स इक्वल होंगे, मीनिंग. बट ये नहीं पता कि ए बी ए सी के इक्वल है कि ए बी सी डी के इक्वल है ना. तो इस बात को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं. एज आई सेड, बाय क्वाड्रेटिक लॉजिक, है ना, बाय क्वाड्रेटिक्स लॉजिक वी कैन से आइदर ए बी, आइदर ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, और सेकेंड केस क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी होगा, या फिर ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, या तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, एंड दैट विल मीन दैट ए सी इक्वल टू बी डी. अब इसका क्या प्रॉब्लम है सेकेंड केस का, एक्चुअली ये रिजेक्ट क्यों होगा, बिकॉज देखो गाइस, अगर ए बी इक्वल टू सी डी हो गया और ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, देन इट लाइक ए बी प्लस ए सी, इसके केस में देखो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी विल बी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी विच इज ओके बी डी प्लस सी डी विच इज इक्वल टू बी सी. तो इट इज लाइक सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, वो ट्राइंगल तो बनाएगा ही नहीं, सो दिस केस विल हैव टू बी रिजेक्टेड एंड दैट मीन्स ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी, राइट. तो आई होप ये लॉजिक तो समझ में आ गया, आई होप, है ना. उससे लेकिन एक और अच्छा तरीका भी है, अलग तरीका भी है एक और इसी चीज को प्रूव करने का, है ना. ये क्वाड्रेटिक वाला रूट का फंडा लगा के लग सकता है ना, जो मैंने आपको बताया सोचने का तरीका, कि दो चीजों का सम सेम है
और प्रोडक्ट भी सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर्स सेम होंगे, है ना, दे शुड बी इक्वल। बट कौन सा कौन किसके साथ इक्वल है वो दो केसेस हमने देख लिए, डिस्कस कर लिए, और उसमें से एक केस पॉसिबल है ही नहीं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द अदर वे टू प्रूव इट, एंड दैट इज ऑल्सो क्वाइट ईजी। अब देखो गाइस, सिंपल है, कॉस बी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, वॉट इज कोसाइन बी इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स वॉट, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए बी इंटू बी डी, ये लिखोगे आप। और कॉस सी को क्या लिखोगे, इट विल बी ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ए सी इंटू सी डी, राइट। अब अगर आप सिंपली गाइस कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, है ना, डिनोमिनेटर्स भी दोनों के सेम है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ए बी इक्वल टू ए बी बी डी इज इक्वल टू ए सी सी डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर, एंड न्यूमरेटर्स भी सेम है ना, एंड न्यूमरेटर्स भी सेम है, बिकॉज ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी तो कॉमन है दोनों में, ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो सो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर विल बी सेम एज ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, वो इक्वेशन नंबर थ्री से आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस थिंग यू कैन सिंपली से दैट कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी, राइट, एंड विच इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अगेन विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी, राइट, एंड दैट इज योर आंसर, वही प्रूव करना था। सो देयर आर मल्टीपल वेज आफ्टर दैट स्टेप एज वेल, ठीक है, जिससे आप प्रूव कर सकते हो दैट ए बी हैज टू बी इक्वल टू ए सी सच सो दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज जो इन्होंने बोली ओवरऑल कंडीशन, इट कैन ओनली बी ट्रू इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो गाइज अगेन, मैंने जैसे पहले भी बहुत बार बोला है कि ज्योमेट्री के अंदर हो सकता है और भी तरह के सोल्यूशन आए, रादर इसका हो सकता है और कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होगा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई कैन थिंक अबाउट इट इन दिस केस इज कि हमने वो सेमी पेरीमीटर वाले जो लॉजिक की बात की थी उसके साथ भी हो सकता है कोई मेथड से इजीली हो पाए क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सोचना, उस चीज को थॉट देना, एंड ट्राई टू पोस्ट सच अ सॉल्यूशन, इफ यू हैव ट्राई टू पोस्ट इट इन द कमेंट्स, है ना, यू कैन शेयर इट विद अस, ठीक है, तो हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। बट आई डू थिंक देयर माइट बी मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू गो अबाउट इट, ठीक है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, इट विल बी ग्रेट गाइज, मतलब कि आपको लर्निंग करने को बहुत अच्छा मिलेगा, आपका ज्योमेट्री चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस चीज से, राइट। सो दैट इज इट गाइज फ्रॉम माई एंड, first question is completed for INMO 2014. So in the next video we'll come back with the INMO video of question 2 of INMO 2014, right? Okay guys, so if you enjoyed this question and enjoyed and did understand, did you know, learn something from it, please like this video and subscribe to our channel. Till then, keep practicing and all the best guys, take care, bye bye.